बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह तआला को ताला तमाम स्टूडेंट्स खुश रखे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा। तो एक भी पॉइंट आपने वीडियो में स्किप नहीं करना। ये बात जो मैं कर रहा हूँ मैट्रिक वालों की नहीं है, मैट्रिक एफ ए बी ए वालों की सिर्फ, ये आगे बी एड वालों के लिए भी है। जो स्टूडेंट्स अपने हाथ से असाइनमेंट्स बना रहे हैं, जिन्होंने ऑनलाइन असाइनमेंट जमा नहीं करवानी, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो तो जल्दी से वीडियोस में आपको तमाम तार बातें बता दूं, तो जल्दी से मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही खड़ी बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे कर दें। मतलब कोई भी वीडियोस में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं मैट्रिक और एफ ए बी ए बी एड जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनकी असाइनमेंट्स जमा करवाने की 15 फरवरी थी, और बी ए वाले की जो है इनकी 15 फरवरी, और मैट्रिक और एफ ए वालों की थी 20 फरवरी लास्ट। ये स्टूडेंट्स फास्ट असाइनमेंट्स की जो आपकी लास्ट डेट होती है। अब मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो बुक्स होती हैं, कुछ बुक्स निसफ होती हैं, मतलब कि कुछ हाफ होती हैं, जो आपकी जो हाफ बुक होती है, और कुछ मुकम्मल होती हैं। मुकम्मल क्रेडिट बुक्स जो होती हैं उनकी आपने एक बुक की 4 असाइनमेंट्स बनानी होती हैं, और जो निसफ हाफ बुक आपकी जो होती है उसकी आपने एक बुक की 2 असाइनमेंट्स बनानी होती हैं। तो एक आपकी फॉर एग्जांपल फर्स्ट असाइनमेंट की डेट गुजर गई, मतलब आप असाइनमेंट जमा नहीं करवा सके, या आपकी वजह से, या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से यूनिवर्सिटी ने आपकी ट्यूटर लिस्ट आपके एड्रेस पर नहीं पहुँचाई, या आपने नेट पर चेक की तो आपको नेट पर नहीं मिली, तो आपने फिर करना क्या है, जो सेकंड असाइनमेंट होती है ना, दूसरी असाइनमेंट जो उस डेट तक आप जमा करवा सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिनकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं, अगर इन्होंने इसी तरह पहली असाइनमेंट्स भी बना ली, दूसरी भी बना ली, तीसरी बना ली, अभी तक ट्यूटर शो नहीं हुआ, तो परेशान हो जाते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो इस तरह की किसी ने अभी तक अपलोड नहीं की होगी, और ना ही किसी को ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी ने दी होगी। लास्ट असाइनमेंट्स तक आप चारों इकट्ठी एक ही बंदे को जमा, एक ट्यूटर, एक बुक का एक ही ट्यूटर होता है, एक ही आपके टीचर होंगे, एक ही सर होंगे, एक बुक के दूसरी बुक के कोई दूसरा टीचर होगा, तीसरी का कोई अलग होगा, इसी तरह एक बुक की, एक जो मुकम्मल बुक है उसकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं, और वो 4 आप लास्ट डेट तक जमा करवा सकते हैं। कोई मसला नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद है कि बहुत ही बड़ी खबर आपको लगी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने ऐसी जो पता नहीं कैसी कैसी वीडियोस बनाई होती हैं, और स्टूडेंट्स इस चीज़ से मतलब कि वो ख़राब हो जाते हैं, उनका दिमाग पता नहीं आप क्या होगा। लेकिन असाइनमेंट्स कंपलसरी होती हैं, जमा तो लाजमी करवानी होती है, वो सच ये भी बात है, लेकिन जो आपको बता देते हैं आप ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं है। अगर फिर भी लास्ट असाइनमेंट्स तक भी अगर ट्यूटर शो नहीं होता तो फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्रेन अकेडमी पहले से मुझसे जितना हो सका मैं आपकी हेल्प करता रहा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प करता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो आगे अपने बहनों भाई तक शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।